हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल सिलेक्शन मेंटोर पे। लास्ट क्लास की अगर हम बात करें तो हमने लास्ट क्लास के अंदर कंप्लीट किया था एमएस ऑफिस। एक क्वेश्चन का पैटर्न और थोड़ा सा बचा है, कुछ क्वेश्चंस और बचे हैं, उसकी वीडियो भी बीच में एक आध बार ले आऊँगा। वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है, पर मैं एक आध वीडियो में उन्हें कवर कर लूँगा। अभी हमारे पास टाइम कम है, केवल आज और कल का दिन बचा है, इसलिए हम ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए आज का नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, जो कि नया टॉपिक है नेटवर्किंग। एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है नेटवर्किंग, और बहुत लोग बोल भी रहे थे सर नेटवर्किंग वाला टॉपिक करा दीजिए, क्योंकि कई बार इसमें से काफ़ी अच्छे क्वेश्चंस बन जाते हैं। तो नेटवर्किंग टॉपिक की यदि मैं बात करूँ तो बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे टॉपिक्स हैं जो इसके अंदर इंपॉर्टेंट होते हैं, जैसे टाइप ऑफ नेटवर्क्स। मैं आपको इसकी एक स्पेशल वीडियो अभी बता, अभी तो मैं आपको क्वेश्चंस करवा रहा हूँ, आगे अगर मुझे टाइम मिला तो अभी बीच में मैं कभी भी इसकी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक्स का एक वीडियो बना दूंगा, जिसमें वो टॉपिक क्लियर होंगे। बाकी मैं यहाँ पे जैसे जैसे आते जाएंगे मैं आपके सामने उनको क्लियर करता जाऊँगा, ठीक है। टाइप ऑफ नेटवर्क की यदि मैं बात करूँ तो बस इतना ध्यान रख लो, टाइप ऑफ नेटवर्क तीन तरह के होते हैं, या आप चार तरह के भी बोल सकते हो। लैन होता है, लोकल एरिया नेटवर्क, ठीक है, मैंने बताया भी थे आपको ये। वैन होता है, वाइड एरिया नेटवर्क, ठीक है। फिर होता है मैन, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, ठीक है। ये तीन तरह के नेटवर्क हमारे पास में, और एक होता है कैन, कैन मतलब कैंपस एरिया नेटवर्क। ये चार तरह के नेटवर्क हमारे पास में होते हैं, ये चार इंपॉर्टेंट टाइप के नेटवर्क हैं जिन्हें हमें पता होना चाहिए। देखो, लैन होता है लोकल, लोकल मतलब किसी एक टावर के अंदर या किसी एक पर्टिकुलर फ्लोर के अंदर। जब छोटे एरिया के अंदर चलता है तो उसको लैन कहा जाता है। वाइड मतलब जब किसी सिटी के अंदर या किसी बहुत बड़े एरिया के अंदर चलता है तो उसे वैन कहा जाता है। मेट्रोपॉलिटन जब पूरे की पूरी सिटी या फिर पूरी की पूरी महानगर कवर, मेट्रोपॉलिटन मतलब मेट्रो सिटीज़, बड़ी सिटियां कवर की जाती हैं तो उसको मैन कहा जाता है। और जैसे आपके कॉलेज के अंदर वाईफाई होता है तो उनमें क्या होता है, जो कॉलेज के अंदर जैसे वाईफाई हमारे पास में है तो उसको कैन कहा जाएगा, क्योंकि वो कैंपस के अंदर है इसलिए कैंपस एरिया नेटवर्क उसको कहते हैं। फिर चाहे वो कॉलेज हो, चाहे कोई इंस्टीट्यूशन हो, चाहे वो आईटी कंपनी हो, कुछ भी हो, ठीक है, तो उसको क्या कहेंगे, हम कैन कहेंगे। ये तो टाइप ऑफ नेटवर्क्स हैं। इसके अलावा हमारे पास, आपने सुना होगा, एक होती है सर्वर की पोजीशन, मतलब टाइप ऑफ सर्वर भी होते हैं। टाइप ऑफ नेटवर्क के अलावा टाइप ऑफ सर्वर भी होते हैं हमारे पास में। तो टाइप ऑफ सर्वर मतलब कितने तरीके से आप सर्वर क्रिएट कर सकते हो। तो देखो, बस फॉर्मेशन में आप सर्वर क्रिएट कर सकते हो, स्टार फॉर्म में कर सकते हो, मैश फॉर्म में कर सकते हो, ठीक है, ये क्या है हमारे पास में, और एक रिंग फॉर्म में। ये चार तरीके से आप सर्वर बना सकते हो। सर्वर बनाने का मतलब कि कंप्यूटर्स को आपस में कनेक्ट कैसे कर सकते हैं। इसका मतलब बस में क्या होगा, एक स्ट्रेट लाइन होगी, उस स्ट्रेट लाइन से आपके अलग अलग पीसी जुड़ रहे होंगे इस तरीके से, इसको बोलेंगे बस अरेंजमेंट, ठीक है। यहाँ पे सर्वर का काम ये पर्टिकुलर जो लाइन आ रही है ये करेगी, और इससे ये पर्टिकुलर हर लाइन जुड़ी होगी जो कि कंप्यूटर को डिनोट कर रही है, दैट इज बस। स्टार क्या होगा, आपका जो सर्वर होगा, जो मेन कंप्यूटर होगा, वो बीच में लगा होगा और यहीं से बाकी बचे हुए सारे कंप्यूटर आपके कनेक्टेड होंगे कुछ इस तरीके से, दैट इज योर स्टार फॉर्म। मैश क्या होगा, मैश में कोई एक इंडिविजुअल नहीं होता, सब एक दूसरे से जुड़े रहते हैं। इसका मतलब मैश के अंदर क्या होगा, मैश के अंदर कुछ इस तरह की स्ट्रक्चर आपके सामने आएगी, सब एक दूसरे से जुड़े हैं और सभी सर्वर की तरह बिहेव भी कर रहे हैं, ठीक है, इस तरीके से। ये जो स्ट्रक्चर होगी, ये स्ट्रक्चर क्या कहलाएगी आपके पास में, इसको बोलते हैं मैश स्ट्रक्चर। इसको क्या बोलते हैं, हम मैश स्ट्रक्चर बोलते हैं इसको, ठीक है। और एक होती है रिंग, रिंग के अंदर भी सेम चीज होती है, रिंग के अंदर किसी एक को सर्वर बना दो और बाकी को उससे कनेक्ट कर दो इस तरीके से, ठीक है। तो ये हो गई रिंग फॉर्मेशन। तो इस तरीके से टोटल कुल मिला के चार तरीके के आपके सर्वर आप बना सकते हैं कंप्यूटर को कनेक्ट करने के बेसिस पे। तो बस कनेक्शन, स्टार कनेक्शन, मैश कनेक्शन और रिंग कनेक्शन, ये चार तरह के कनेक्शंस होते हैं। नेटवर्क के टाइप चार तरीके के होते हैं, लैन, वैन, मैन और कैन और सर्वर। ये दो चीज़ें ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी इसलिए मैंने पहले आपको समझा दी। अब जो भी चीज़ आती जाएगी उसको हम धीरे धीरे देखते जाएंगे, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं फिर क्वेश्चन नंबर वन के साथ, इनका पता होना ज़्यादा जरूरी था हमारे लिए। क्वेश्चन नंबर वन की यदि मैं बात करूं तो देखो, सबसे पहले उसने सुपर कंप्यूटर और मेन फ्रेम, अच्छा मेन फ्रेम कंप्यूटर कौन सा होता है, मेन फ्रेम कंप्यूटर वो होता है जो जनरली हम यूज़ करते हैं, ठीक है। सुपर कंप्यूटर वो होता है जो जनरली किस चीज़ के लिए इस्तेमाल किया जाता है। देखो, कभी अगर क्वेश्चन ये पूछता है ना कि सुपर कंप्यूटर का यूज़ किस लिए किया जाता है, तो सुपर कंप्यूटर का यूज़ लार्ज कैलकुलेशंस के लिए, साइंटिफिक कैलकुलेशंस के लिए और किसके लिए, वेदर इंक्वायरी के लिए, इन सब के लिए सुपर कंप्यूटर्स का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। और मेन फ्रेम कंप्यूटर नॉर्मल कंप्यूटर को बोला जा सकता है जो कि हमारे पास होता है, इसको हम शायद पर्सनल पीसी भी कहते हैं, ठीक है।
आते हैं तो ये क्या पूछ रहा है यहाँ पे हमसे, ये हमसे पूछ रहा है कि यूजर यूजेज, यूजर्स यूज ऑफन, ऑफन मतलब ज्यादातर, डैश फॉर एक्सेस टू मेन फ्रेम और सुपर, मतलब मेन फ्रेम और सुपर कंप्यूटर को एक्सेस करने के लिए यूजर्स ज्यादातर किसका यूज करते हैं? नोड का यूज नहीं होता जब आप मेन फ्रेम और सुपर कंप्यूटर को एक्सेस करना चाह रहे हो, डेस्कटॉप का भी नहीं होता, हार्ड हेल्ड का भी नहीं, हैंड हेल्ड का भी नहीं होता, किसका होता है? टर्मिनल्स का यूज होता है। टर्मिनल क्या करते हैं? टर्मिनल हमेशा आपके किसी भी कनेक्शन को शो करते हैं। टर्मिनल के दो एंड होते हैं, पहला एंड जहां से डेटा सेंड किया जाता है और दूसरा एंड जहां से डेटा कंप्यूटर तक पहुंचता है, दैट इज कॉल्ड टर्मिनल्स। ठीक है, तो यूजर यूज ऑफन टर्मिनल फॉर एक्सेस टू मेन फ्रेम और सुपर कंप्यूटर। टर्मिनल्स का यूज करना पड़ेगा अगर हमें कनेक्ट करना है कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर या फिर सुपर कंप्यूटर के साथ में। सेकेंड क्वेश्चन पे आते हैं। सेकेंड क्वेश्चन कह रहा है कि टू क्रिएट अ डैश पर्सनल कंप्यूटर कैन कनेक्ट टुगेदर, कनेक्ट है ये, एक दूसरे को कनेक्ट करने के लिए पर्सनल कंप्यूटर में क्या क्रिएट किए जाते हैं? तो एक दूसरे को कनेक्ट करने के लिए हम क्या क्रिएट करेंगे पर्सनल कंप्यूटर में? डेफिनेटली बात है, क्या बनाएंगे? नेटवर्क्स बनाएंगे। क्या बनाएंगे? नेटवर्क, सही है कि सर्वर बनाएंगे। अभी हमने देखा था, मुझे लास्ट में बताइए कि हम सर्वर बनाएंगे या नेटवर्क बनाएंगे, हमें क्या करना है? पर्सनल पीसीज को एक दूसरे से कनेक्ट करना है तो हम क्या बनाएंगे? नेटवर्क बनाएंगे। ठीक है, नेटवर्क बनता है और जनरली ध्यान रखो लोकल एरिया नेटवर्क हमारे पास जनरली काम में आता है। ठीक है, आगे आते हैं। सर्वर्स, हाँ बिल्कुल बोल सकते हैं, सर्वर पर एक पर्टिकुलर कंप्यूटर को बोलेंगे। वो जो मैं आपको बता रहा था ना, वो ये बता रहा था कि टाइप ऑफ सर्वर, मतलब हम सर्वर को किन किन तरीके से क्रिएट किए सकते हैं। रिंग के अंदर कौन कौन सर्वर होगा, मैश के अंदर कौन कौन सर्वर होगा, बस के अंदर कौन कौन सर्वर होगा, ठीक है, स्टार के अंदर कौन, तो वो बता रहा था मैं आपको। बाकी अगर दो पीसीज को एक दूसरे से कनेक्ट करना है तो क्या करना पड़ेगा? नेटवर्किंग करनी पड़ेगी उनके बीच में। ठीक है, आगे आते हैं। व्हाट इज यूज्ड टू आइडेंटिफाई वेदर अ डेटा वर्ड हैज एन ऑड और इवन नंबर ऑफ वन? देखो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या चीज ऐसी है जो ये आइडेंटिफाई करती है कि जो डेटा हमने सेंड किया या रिसीव किया है वो ऑड है या इवन? वो बताता है पैरिटी बिट। पैरिटी बिट क्या होती है, मैं थोड़ा सा आपको यहाँ बता देता हूँ। पैरिटी बिट होती है जब भी कोई डेटा को हम कंप्यूटर के थ्रू सेंड करते हैं और सपोज उसमें कुछ एरर आ गई, तो पहली बात, सबसे इंपॉर्टेंट काम पैरिटी बिट का यही होता है कि वो एरर फाइंड करने का काम करती है। जैसे सपोज मैंने एक डेटा भेजा 010, किसका होता है? ये 10 का होता है। और दूसरा भेजा मैंने 100, किसका होता है? 4 का होता है। मैंने 010 भेजा, अब मुझे ये चेक करना है क्या ये मेरा डेटा सही है गलत, मतलब ये ऑड है इवन, तो क्या करूंगा मैं? अगर मैं इसके साथ 0 लगा देता हूँ, एक एक्स्ट्रा 0 यहाँ पे, इसका मतलब ये क्या हो गया? ऑड पैरिटी बिट हो गई, क्योंकि यहाँ पे नंबर ऑफ वंस जो है केवल 1 है। ठीक है, और अगर वहीं मैं 010 के साथ में 1 लगा देता हूँ तो अब ये क्या हो गया? इवन पैरिटी बिट हो गई, क्योंकि अब इसके साथ में, सॉरी, अब इसके साथ में क्या आ गया? 1 आ गया। इसका मतलब 2 1 हो गए आपके पास में, और 2 1 हो गए मतलब इवन, 1 ही 1 रहता है मतलब ऑड। बात समझ में आ रही है? तो पैरिटी बिट से क्या पता लगाया जाता है कि जो डेटा आपने भेजा है वो इवन नंबर की फॉर्म में है या फिर ऑड नंबर की फॉर्म में है। क्लियर है? चलिए आगे चलते हैं। आगे दिया हुआ है अ कॉम्बिनेशन, क्या दिया हुआ है? अ कॉम्बिनेशन ऑफ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का कॉम्बिनेशन विच प्रोवाइड फैसिलिटीज ऑफ सेंडिंग और रेशनल, मतलब अगर हमें कोई भी चीज भेजनी है, सेंड करनी है, और रेशनिंग मतलब रिसीव करने को लेकर के कुछ है इंफॉर्मेशन को, बिटवीन अ कंप्यूटर डिवाइस, दो कंप्यूटर डिवाइस के बीच में, तो हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का जो कॉम्बिनेशन है उसे क्या कहते हैं? दैट इज कॉल्ड नेटवर्क। क्या कहते हैं? केवल एक नेटवर्क ही ऐसी चीज है जो हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का कॉम्बिनेशन है, और साथ ही साथ में ये हमें फैसिलिटी प्रोवाइड कराता है किसी भी डेटा को सेंड करने के लिए। यहां तक मेरे हिसाब से बात क्लियर हो गई होगी। आगे चलते हैं। ठीक है, पेरिफेरल्स क्या होता है, कौन बताएगा? पेरिफेरल्स होते हैं एक्सटर्नल डिवाइसेस जो हम कनेक्ट करते हैं अपने कंप्यूटर के साथ। ठीक है, एक्सपेंशन स्लॉट्स क्या होते हैं, ये भी मैं बता चुका हूँ। जैसे मुझे रैम एक्सटेंड करनी है तो कुछ एक्स्ट्रा स्लॉट्स दिए जाते हैं जिसमें मैं 4 GB की रैम और लगा के अपनी टोटल GB 8 GB की रैम कर सकता हूँ। ठीक है, डिजिटल डिवाइस भी आपको पता होती है। चलिए, सर्वर इज अ कंप्यूटर, देखो आप सर्वर क्या है एक्चुअल में, सर्वर एक कंप्यूटर के लिए काम में किया जाता है। ठीक है, जो कि बाकी सारे कंप्यूटर से कनेक्टेड रहता है, और कोई भी एक हमें इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन भेजनी है तो मैं सर्वर कंप्यूटर से भेजूंगा और वो सारे कंप्यूटर्स पे पहुंच जाएगा। जैसे देखना, अभी आप जब पेपर देने जाएंगे FCI मेंस का जो IBPS ने कराया, या अभी गए होंगे प्री के अंदर, आपने देखा होगा एक सर्वर रूम बना होगा,
जहां से आपको इंस्ट्रक्शन मिलते हैं कि अभी 5 मिनट में आपका पेपर स्टार्ट होने वाला है और सब लोगों का पेपर एक साथ स्टार्ट होता है, तो सर्वर रूम के अंदर रखा कंप्यूटर क्या कहलाता है? सर्वर कहलाता है। और आपके जितने भी कंप्यूटर्स हैं ये एंड पॉइंट कंप्यूटर्स कहलाते हैं, जिनको इंस्ट्रक्शन दिया जाता है। ठीक है, तो सर्वर इज अ कंप्यूटर विच प्रोवाइड रिसोर्सेज। किसको रिसोर्स प्रोवाइड करता है? अदर कंप्यूटर कम्युनिकेट इन अ, किस फॉर्म में कम्युनिकेट करने के लिए? तो सिंपल सी बात है, किस फॉर्म में? नेटवर्क की फॉर्म में कम्युनिकेट करने के लिए उनको रिसोर्स प्रोवाइड कराता है। ठीक है, आगे आते हैं। देखो अभी अभी देखा, लैन भी देख लिया, मैन भी देख लिया और वैन भी देख लिया। तो लैन, वैन एंड मैन आर कंप्यूटर नेटवर्क कवरिंग डिफरेंट एरियाज, बताया था मैंने, अलग अलग एरिया कवर करते हैं। देयर फर्स्ट अल्फाबेट एल, डब्ल्यू और एम किसको रिप्रेजेंट करेंगे? लोकल वाइड मेट्रोपॉलिटन। क्या आ जाएगा? लोकल वाइड मेट्रोपॉलिटन। ठीक है, चलो आगे। अच्छा टोपोलॉजी, अच्छा जो हमने पढ़ा था उसको आप टोपोलॉजी भी बोल सकते हो। कौन कौन सी टोपोलॉजी, कौन कौन से कनेक्शंस हम कर सकते हैं कंप्यूटरों के बीच में? तो इन डैश टोपोलॉजी नेटवर्क कंपोनेंट आर कनेक्टेड बाय ओनली वन केबल। तो ऐसा हमने क्या पढ़ा था? बस, जिसमें केवल एक ही केबल से बाकी सारे के सारे निकल रहे थे। ठीक है, तो ओनली बाय ओनली वन केबल, तो ऐसा कौन होगा? ऐसा केवल और केवल क्या होगा? बस होगा। रिंग भी हमने देखा, स्टार देखा, मैच देखा, मिक्स कुछ होता नहीं है। टू और मोर देन टू कंप्यूटर्स कनेक्टेड टू ईच अदर, दो या दो से ज्यादा कंप्यूटर एक दूसरे से कनेक्टेड हैं फॉर शेयरिंग एंड इन्फॉर्मेशन। तो अगेन वही क्वेश्चन आ गया, मेरे को बताने की जरूरत नहीं है क्योंकि बार बार हम नेटवर्किंग पढ़ रहे हैं तो बात नेटवर्क की जाएगी। अच्छा राउटर क्या होता है? राउटर होता है जो रूट बताता है। राउटर क्या होता है? जो रूट बताता है, मतलब अगर कोई लैंडलाइन से कनेक्शन आ रहा है और मैंने राउटर से कनेक्ट किया हुआ है, तो राउटर में एक से ज्यादा टर्मिनल होते हैं, वो पीसी नंबर 1, पीसी नंबर 2, पीसी नंबर 3 को कनेक्शन देने के काम आते हैं। तो ये रूट बताता है कि किसके पास कौन सा जाएगा टर्मिनल और किसके पास कौन सा जाएगा। सर्वर क्या होता है? सर्वर भी कुछ इसी तरीके से होता है, एक पीसी जो बाकी पीसीज को इंस्ट्रक्शन देता है, दैट इज कॉल्ड सर्वर। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? ऑन लार्ज स्केल ज्योग्राफिकली स्प्रेडेड लैंड, ज्योग्राफिकली स्प्रेडेड लैंड किसमें? लार्ज स्केल में, उसको कनेक्ट करने के लिए किसका यूज किया जाता है? तो वाइड एरिया नेटवर्क का इसके लिए यूज किया जाता है। देखो कैन कैंपस हो गया, वाइड नहीं हो सकता, लैन हो नहीं सकता, डेन हो नहीं सकता, टेन हो नहीं सकता। ठीक है, चलिए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ स्मॉल, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ स्मॉल सिग्नल, सॉरी स्मॉल सिंगल साइट नेटवर्क, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ स्मॉल सिंगल साइड नेटवर्क। स्मॉल सिंगल साइड नेटवर्क कौन है? डेफिनेट सी बात है, लैन, लोकल एरिया नेटवर्क। ठीक है, इसकी फुल फॉर्म, इसकी फुल फॉर्म ये अभी आएगा आगे। सीपीयू की पता है, रैम की पता है, यूएसबी की पता है, ये अपन आगे पढ़ेंगे, ये इंपॉर्टेंट है। डीएसएल, कंप्यूटर कनेक्टेड विद लैन कैन शेयर इंफॉर्मेशन और पेरिफेरल डिवाइसेस, मतलब क्या कर सकता है? वो इंफॉर्मेशन भेज सकता है पेरिफेरल डिवाइसेस के बीच में और कंप्यूटर्स के बीच में भी। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, लैन इज यूजफुल फॉर, लैन किसके लिए यूजफुल है? तो रेलवे के लिए है क्या लैन यूजफुल? तो यही बताना है हमें, लैन किसके लिए यूजफुल है? तो लैन बैंक के लिए यूजफुल है क्या? ट्रांसपोर्ट ऑफिस के लिए यूजफुल है क्या? बिजनेसमैन के लिए? किसके लिए लैन ज्यादा इंपॉर्टेंट? देखो रेलवे बहुत वास्ट नेटवर्क है, उसमें लैन से काम नहीं चलेगा। बैंक बहुत वास्ट नेटवर्क है, उसमें लैन से काम नहीं चलेगा। ठीक है, ट्रांसपोर्ट ऑफिस बहुत लार्ज नेटवर्क है, नहीं चलेगा। लेकिन एक सिंगल बिजनेसमैन के लिए लैन सफिशिएंट है, क्योंकि वो एक कैंपस में बैठ के काम करता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। टेलीफोन ब्रॉडकास्ट इज एन एग्जांपल ऑफ, अच्छा टेलीफोन का ब्रॉडकास्ट जो होता है वो कैसा एग्जांपल है? अब देखो ये भी मेरे को आपको बताना था। इज अ ट्रांसमिशन, तो ट्रांसमिशन तीन तरीके के होते हैं। एक होता है हमारे पास में सिंप्लेक्स, जो यहाँ पहले ऑप्शन में लिखा हुआ है। ठीक है, एक होता है हमारे पास में हाफ ड्यूप्लेक्स। ठीक है, ये सब पता होना चाहिए आपको। और एक होता है हमारे पास में फुल ड्यूप्लेक्स। ये तीन तरह के हमारे पास में ट्रांसमिशन होते हैं। सिंप्लेक्स में केवल एक ही डायरेक्शन में आप जाएंगे, सिंप्लेक्स में केवल एक ही डायरेक्शन में जाएंगे, मतलब इधर ही जा सकते हैं बस। अगर यहां से शुरू किया है तो केवल इधर ही जा सकते हैं, दैट इज कॉल्ड सिंप्लेक्स। और अगर यहां से शुरू किया है तो केवल इधर ही जा सकते हैं। ठीक है, हाफ ड्यूप्लेक्स क्या होता है? हाफ ड्यूप्लेक्स होता है आपका लैंडलाइन फोन या मोबाइल फोन, मोबाइल और लैंडलाइन फोन, हाँ ये क्या कहलाएंगे? हाफ ड्यूप्लेक्स। मतलब अगर इधर से बोलने वाला व्यक्ति बोल रहा है तो ये सुनेगा, और जब ये बोलेगा तो ये सुनेगा। एक बार में एक ही काम होगा, इधर का डेटा या तो इधर जाएगा
या फिर इधर का डेटा इधर जाएगा। तो है तो ये ड्यूप्लेक्स की तरह ही, मतलब दो दो काम हो सकते हैं, दो पाथ है इसमें, ड्यूप्लेक्स है ये, दो पाथ है, लेकिन दोनों पाथ में से केवल एक टाइम में एक ही एक्टिवेटेड रहेगा। इसमें आप किसका इस्तेमाल कर सकते हो, क्या बोल सकते हो इसको आप, टेलीफोन ब्रॉडकास्ट। टेलीफोन ब्रॉडकास्ट इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, किसका, हाफ ड्यूप्लेक्स का, ठीक है। और आप इसके लिए क्या भी एग्जाम्पल दे सकते हो हाफ ड्यूप्लेक्स के लिए, पहले वो आते थे, क्या बोलते हैं अपने पास में, जिसमें बटन दबा करके हम बोलते थे, एक तरफ से दूसरे के पास जब पहुंचता था वो उसे सुनता था, फिर दूसरा बटन दबा के दूसरा बोलता था, एक आता था ना, मुझे नाम ध्यान नहीं आ रहा, वो हाफ ड्यूप्लेक्स का बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, ठीक है। थर्ड होता है फुल ड्यूप्लेक्स। फुल ड्यूप्लेक्स मतलब दोनों पाथ एक ही टाइम पे एक साथ काम कर सकते हैं, मतलब यहाँ का डेटा और यहाँ का डेटा दोनों एक साथ ट्रांसमिट हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे आजकल मोबाइल फोन चल रहे हैं, इसमें हम कर सकते हैं, आपने देखा होगा वो वहां से और वहां से दोनों एक साथ बोलेंगे तो दोनों को एक दूसरे की साउंड सुनाई देगी, ठीक है। तो ये किसका एग्जाम्पल हो गया हमारे पास में, ये एग्जाम्पल हो गया फुल ड्यूप्लेक्स का, ठीक है, दोनों तरफ से एक ही टाइम पे ट्रांसमिशन हो सकता है। अभी भी बताया था, अब पैरिटी बिट, पैरिटी बिट क्या होती है, पैरिटी बिट किस काम आती है। अच्छा, ये तो पता लग गया पैरिटी बिट काम आती है कहाँ, और मैंने आपको बताया भी था कहाँ लगाते हैं, जब मैंने 010 लगाया था तो पैरिटी बिट को कहाँ लगाया था, लास्ट में। जब मैंने 100 लिखा था तो पैरिटी बिट को कहाँ लगाया था, लास्ट में। तो अ पैरिटी बिट इज द लास्ट बिट इन अ बाइट, ठीक है, ये ध्यान रखना, इज द लास्ट बिट इन अ बाइट। यहां तक क्लियर है, चलो अगले क्वेश्चन पे आते हैं, टाइम कम है हमारे पास, ज्यादा क्वेश्चन कवर करने हैं। द फर्स्ट कंप्यूटर नेटवर्क ऑफ द वर्ल्ड इज, ये पता होना चाहिए, जो पहला कंप्यूटर था वर्ल्ड का, दैट इज कॉल्ड अर्पानेट, ठीक है, इसको आप आर्पनेट भी बोल सकते हो, अर्पानेट भी बोल सकते हो। ये मिलिट्री नेटवर्क था, ये शायद यूएसए का नेटवर्क था, सबसे पहला फर्स्ट कंप्यूटर नेटवर्क था अर्पानेट, ठीक है, ये ध्यान रखना। नेक्स्ट आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्निक नीडेड सोर्स डिवाइस एंड डेस्टिनेशन डिवाइस इन लाइन लाइन ऑफ साइट। लाइन ऑफ साइट मतलब एक ही लाइन में होने चाहिए, मतलब दोनों बिल्कुल एक दूसरे के आमने सामने होने चाहिए अगर उनमें डेटा ट्रांसमिट करना है। तो ब्लूटूथ में ऐसी जरूरत नहीं है, लैन में भी नहीं है, वैन में भी नहीं है, केवल किस में है, इंफ्रारेड। आपने देखा है ना, आपके जो टीवी का रिमोट होता है उससे इंफ्रारेड निकलती है, और जब तक आप उसको सामने नहीं करोगे, अब तो थोड़ी रेंज उसकी बढ़ गई है, लेकिन जब तक इंफ्रारेड को सामने नहीं किया जाता, बिल्कुल सामने, तब तक वो उसका डेटा ट्रांसफर नहीं होता है, ठीक है। नेक्स्ट पे आते हैं, नेक्स्ट है व्हेन मोर कंप्यूटर्स आर कनेक्टेड एट वन प्लेस, एक प्लेस पे एक से ज्यादा कंप्यूटर कनेक्टेड हैं तो उसको क्या कहा जाता है। तो ऑब्वियसली बात है, एक ही प्लेस है ना, ज्यादा बड़ा तो होगा नहीं, दैट इज कॉल्ड लैन। अच्छा, बैंक एटीएम, अब देखो बैंक एटीएम फैसिलिटी इज एन एग्जांपल ऑफ, बैंक एटीएम की जो फैसिलिटी होती है ये किस चीज का एग्जांपल है। तो बैंक एटीएम की जो फैसिलिटी होती है दैट इज एन एग्जांपल ऑफ वैन। अब आप कहोगे सर बैंक एटीएम में कहां से नेटवर्क आ गया, तो बिल्कुल जब आप एटीएम मशीन का ऑपरेट करते हो तो एटीएम मशीन भी कंप्यूटर नेटवर्क से कनेक्ट रहती है, मतलब उसमें भी नेटवर्क होता है, उसमें भी इंटरनेट होता है। अगर इसमें इंटरनेट नहीं होगा तो आपका एटीएम काम नहीं करता है, ध्यान रखना, इसमें इंटरनेट लगा रहता है। क्यों? क्योंकि आप जो भी ट्रांजेक्शन कर रहे हो वो फिजिकल हैं और वो रिकॉर्ड होते हैं आगे जा करके, ठीक है। तो रिकॉर्ड होते कहाँ हैं, सर्वर रूम में, और इनका सर्वर रूम यहाँ नहीं होता, इनका सर्वर रूम होता है कहीं दूसरी जगह। तो उसके लिए क्या जरूरत पड़ती है, हमें इंटरनेट की जरूरत पड़ती है। तो ये किस तरीके का एक एग्जाम्पल है, तो ये एक वैन है, वाइड एरिया नेटवर्क, क्योंकि सब जगह लगे हुए हैं इसलिए वाइड एरिया नेटवर्क है, जहां जहां भी जरूरत है वहां पे इनको इंटरनेट और नेटवर्क प्रोवाइड कराना है। इसका मतलब ये कैसा एरिया नेटवर्क है, वाइड एरिया नेटवर्क। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ऑफ द सेम ग्रुप, ठीक है, इंटरनेट कंप्यूटर से, रिंग कंप्यूटर से, बस कंप्यूटर से, लेकिन एप्पल टॉक कंप्यूटर से नहीं, ठीक है। वैन इज नॉट यूजफुल, अच्छा वैन का इस्तेमाल कहां नहीं होगा, देखो मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर में होगा, फॉरेन बैंक्स में होगा, एयरपोर्ट डिपार्टमेंट में होगा, क्योंकि ये बहुत बड़े डिपार्टमेंट्स हैं तीनों ही। लेकिन म्यूनिसिपैलिटी हर सिटी का एक होता है और वो आपस में कनेक्टेड ज्यादातर में नहीं रहते हैं, वो केवल उसी सिटी के लिए काम करते हैं, इसलिए वाइड एरिया नेटवर्क जो होता है वो म्यूनिसिपैलिटी में काम नहीं करता है। आगे आते हैं, डैश इज अ सेंट्रल कंप्यूटर Which is concerned with collection of the data and program for PCs, workstation and other. मेरे हिसाब से आपको ये समझ में आ जाना चाहिए, एक सेंट्रल कंप्यूटर की बात कर रहा है,
जो बाकी कंप्यूटर के वर्क स्टेशन को कवर कर रहा है, उनको कंट्रोल कर रहा है, दैट इज कॉल्ड सर्वर। उसको हम क्या कहेंगे, सर्वर। सर्वर ही ये काम कर सकता है आपके पास में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, अ डिवाइस दैट कनेक्ट टू अ नेटवर्क विदाउट यूजिंग अ केबल, बिना वायर के यूज के क्या कर सकते हैं, वायरलेस। क्या कहेंगे ऐसी डिवाइसेस को, वायरलेस डिवाइसेस। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेवरल कंप्यूटर लिंक टू अ सर्वर टू शेयर प्रोग्राम और स्टोर स्पेस और स्टोरेज स्पेस। स्टोरेज स्पेस और शेयरिंग ऑफ अ प्रोग्राम के लिए सेवरल कंप्यूटर को लिंक करता है, लिंक टू अ सर्वर, ठीक है। तो उसको क्या बोलते हैं हम, तो उसको क्या बोलते हैं हम, नेटवर्क। क्या बोलते हैं, नेटवर्क कहा जाता है। अभी हमने पढ़ा ना, नेटवर्क सब चीजें एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। तो सेवरल कंप्यूटर लिंक टू अ सर्वर टू शेयर प्रोग्राम एंड स्टोरेज स्पेस, तो उसको क्या बोलेंगे, नेटवर्क। और स्टोरेज स्पेस के साथ एक और लिख लेना, एंड प्रिंटर। आपने देखा होगा कई बार क्या होता है, ऑफिस के अंदर एक सिंगल कंप्यूटर, किसी भी कंप्यूटर से आप प्रिंट दो, वहां पे केवल एक ही कंप्यूटर वो प्रिंटर लगा रहता है, और आप किसी भी कंप्यूटर से प्रिंट दो, उस पर प्रिंट आ जाता है, दैट इज कॉल्ड शेयरिंग, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। कंप्यूटर कनेक्ट टू अ लोकल एरिया नेटवर्क कैन, कंप्यूटर कनेक्ट टू अ लोकल एरिया नेटवर्क कैन शेयर इंफॉर्मेशन एंड और शेयर पेरीफेरल इक्विपमेंट। कौन कौन से पेरीफेरल, जैसे एग्जांपल मैंने आपको दे दिया, प्रिंटर एक पेरीफेरल इक्विपमेंट है, ठीक है। चलिए आगे। व्हाट टाइप ऑफ रिसोर्सेज इज मोस्ट लाइकली टू बी शेयर्ड कॉमन रिसोर्सेज इन अ कंप्यूटर नेटवर्क, कौन सा है कॉमन रिसोर्सेज जो कंटिन्यूअस बेसिस पे काम में आता है, दैट इज प्रिंटर। एक प्रिंटर ही ऐसा है जो सबसे ज्यादा शेयर किया जाता है, बाकी चीजें नहीं, क्योंकि बाकी चीजें इंडिविजुअली मिल जाती हैं। द डैश अनेबल्स योर कंप्यूटर टू कनेक्ट टू द अदर कंप्यूटर, कौन है जो आपके कंप्यूटर को दूसरे कंप्यूटर से जोड़ने में मदद करता है। तो जब तक आपके पीसी के अंदर एनआईसी नहीं होगा, एनआईसी मतलब नेटवर्क इंटरफेस कार्ड, तब तक आप अपने कंप्यूटर को दूसरे कंप्यूटर से कनेक्ट नहीं कर सकते, क्योंकि नेटवर्क इंटरफेस करना है तो नेटवर्क इंटरफेस कार्ड का होना जरूरी है, क्योंकि यही है जो दूसरे कंप्यूटर का आईपी एड्रेस आपको बता सकता है, ट्रेस करके उसको स्टोर करके उसको कनेक्ट कर सकता है आपके आईपी एड्रेस के साथ में, ठीक है। तो नेटवर्क इंटरफेस कार्ड का होना बहुत जरूरी है, ठीक है। आगे आते हैं। अ डैश इज अ स्मॉल ग्राउंड ग्रुप ऑफ कंप्यूटर एंड पेरीफेरल लिंक टुगेदर टू अ स्मॉल ज्योग्राफिक, मेरे हिसाब से बताने की जरूरत नहीं है, लैन, ठीक है। आगे चलते हैं। टू एक्सेस अ मेन फ्रेम और सुपर कंप्यूटर यूजर्स ऑफन यूज अ टर्मिनल, अभी बताया था सब पहले क्वेश्चन के अंदर। अ वर्ड इन अ वेब पेज दैट वेन लिंक्ड When clicked, open another document। पिछली क्लास जब हमने हाइपरलिंक पढ़ा था तब पढ़ा था, तो हाइपरलिंक क्या होता है, एक से दूसरे में ट्रांसमिट कर देता है। अगला दिया है, डम्प टर्मिनल हैव टर्मिनल्स एंड, अब ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना। डम्प टर्मिनल अगर वो पूछता है तो उसमें क्या क्या चीजें होती हैं, टर्मिनल्स होते हैं और कीबोर्ड होता है। डम्प टर्मिनल में क्या क्या होता है, टर्मिनल होते हैं और कीबोर्ड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अ डैश टिपिकली कनेक्टेड पर्सनल कंप्यूटर विद इन अ वेरी लिमिटेड ज्योग्राफिकल एरिया, आंसर सीधे लगा दो देखते ही, लैन, क्योंकि लिमिटेड का काम केवल और केवल किस में होता है, लैन के अंदर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। कंप्यूटर्स कनेक्टेड टू अ लैन कैन, क्या कर सकता है, मेरे हिसाब से बार बार क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, शेयर इंफॉर्मेशन करने का काम, ठीक है। द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड पावरफुल कंप्यूटर इन अ टिपिकल नेटवर्क, नेटवर्क के अंदर सबसे पावरफुल कंप्यूटर कौन सा होता है जो सब कंप्यूटर्स को हैंडल करता है, दैट इज नेटवर्क सर्वर। केवल सर्वर ही ऐसा है जो सबसे पावरफुल होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग रेफर टू अ स्मॉल सिंगल साइट नेटवर्क, तो स्मॉल सिंगल साइट नेटवर्क अगेन कौन आ जाएगा, दैट इज लैन। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। व्हाट टाइप ऑफ रिसोर्सेज इज मोस्ट लाइकली टू बी शेयर कॉमन रिसोर्सेज इन अ कंप्यूटर नेटवर्क, कॉमन रिसोर्सेज जो सबसे ज्यादा शेयर किया जाता है, मेरे हिसाब से वापस रिपीटेड, आंसर इज प्रिंटर। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अ डैश इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर दैट फैसिलिटेट द शेयरिंग ऑफ इंफॉर्मेशन बिटवीन कंप्यूटर्स, कंप्यूटर्स के बीच में इंफॉर्मेशन शेयर करने के लिए कौन काम आएगा, यस नेटवर्क,
टाइम इसलिए वेस्ट नहीं कर रहे क्योंकि हमें ये क्वेश्चन आते हैं. अ डैश इज अ सेट ऑफ रूल, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. सेट ऑफ रूल किसको कहा जाता है? प्रोटोकॉल होता है ना, हर चीज के एक प्रोटोकॉल होते हैं. प्रधानमंत्री के भी कुछ प्रोटोकॉल्स हैं कि वो उन प्रोटोकॉल्स को तोड़ नहीं सकता. सेट ऑफ रूल्स हैं प्रधानमंत्री के कि उसको सिक्योरिटी लेनी ही पड़ेगी. दैट इज सेट ऑफ रूल, दैट इज प्रोटोकॉल. ठीक है, ऐसे कंप्यूटर के भी कुछ प्रोटोकॉल होते हैं. टर्मिनल इज, टर्मिनल क्या होता है? तो देखो हमने क्या पढ़ा था, डेटा की एंट्री से लेके डेटा को कंप्यूटर तक पहुंचाने के लिए. तो अ पॉइंट एट विच डेटा एंटर्स और लीव द कंप्यूटर, दैट इज कॉल्ड टर्मिनल. उसको हम क्या बोलते हैं? टर्मिनल कहते हैं. अगले क्वेश्चन पे आते हैं. तो अगला क्वेश्चन क्या है हमारे पास? अ डिवाइस दैट कनेक्ट टू अ नेटवर्क विदाउट यूजिंग अ केबल. आंसर इज वायरलेस. अगले क्वेश्चन पे आते हैं. अ कंप्यूटर डैश कंसिस्ट ऑफ टू और मोर कंप्यूटर और अदर डिवाइसेस दैट आर कनेक्टेड फॉर अ पर्पस ऑफ शेयरिंग डेटा, दैट इज कॉल्ड नेटवर्क. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं. द मेथड ऑफ इंटरनेट एक्सेस दैट रिक्वायर्स अ फोन लाइन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. दैट रिक्वायर्स अ फोन लाइन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. फिर से बोल रहा हूँ, द मेथड ऑफ इंटरनेट एक्सेस दैट रिक्वायर्स अ फोन लाइन बट offers faster access speed than, किसकी तुलना में? than dial-up connections. हमारे पास में दो तरीके के होते हैं, एक dial-up connection होता है, एक होता है digital subscription line या subscriber line. digital subscriber line, तो इसका answer सबसे पहले तो क्या होगा? digital subscriber line. dial-up line होती है जिसके अंदर हमें modem से connect करना पड़ता है. और DSL, आजकल जितने भी ब्रॉडबैंड आ रहे हैं आपने देखा होगा, आप डायरेक्टली उस केबल को अपने कंप्यूटर में लगा सकते हो डेटा चलाने के लिए. दैट इज कॉल्ड डिजिटल सब्सक्रिप्शन लाइन या सब्सक्राइबर लाइन. तो ये उसी की बात कर रहा है, और ये ज़्यादा फास्ट होता है. ठीक है, एक ऐसी टेलीफोन लाइन जो कि फास्टर स्पीड से डेटा ट्रांसफर कर सकती है, दैट इज डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन. पहले क्या होता था, टेलीफोन लाइन आती थी, उसको डिजिटल में कन्वर्ट करना पड़ता था मॉडम से, फिर कनेक्ट करना पड़ता था. ठीक है, आजकल DSL आते हैं, डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन, आप कनेक्ट कर सकते हो. क्लियर है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं. ये ध्यान रख लेना एक चीज, Which of the following item is not used in a local area network? तो local area network में computer भी चाहिए, interface card भी चाहिए, और क्या भी चाहिए? Cable भी चाहिए. ठीक है, तो क्या नहीं चाहिए? Modem नहीं चाहिए, बाकी सब चाहिए. ठीक है, आगे आते हैं. Which is the name of the computer topology in which there is a bi-directional link between each पॉसिबल नोड. हर पॉसिबल नोड के बीच में बाई डायरेक्शन लिंक है, मतलब हर कंप्यूटर अपने आप में सर्वर है, हर एक दूसरे से कनेक्टेड है. ऐसा केवल किस में हो सकता है? मैंने आपको बताया था, ऐसा केवल हो सकता है किसके अंदर? मैश के अंदर. रिंग, ट्री और स्टार में ऐसा नहीं हो सकता. लैन की फुल फॉर्म मेरे हिसाब से बताने की जरूरत नहीं है, लोकल एरिया नेटवर्क. ठीक है, तो यहां तक की बातें आपको क्लियर हो गई होंगी. आज के लिए क्वेश्चंस इतने ही हैं, लेकिन ध्यान रखिए इसमें पढ़ने को बहुत कुछ था, हमने बहुत कुछ शॉर्ट फॉर्म में पढ़ा भी. एक हमारे पास में आते हैं टाइप ऑफ वायर्स, वायर कितने तरीके के होते हैं. ठीक है, तो ये कुछ क्वेश्चंस हैं जो इंपॉर्टेंट हो जाते हैं हमारे पास में. तो थ्योरी इसलिए इंपॉर्टेंट थी, जो मैंने हल्की फुल्की तो आपको बता दी है, बाकी क्वेश्चन के माध्यम से हमने देख लिया है कि क्या क्या चीजें हमारे पास इंपॉर्टेंट हैं. ठीक है, तो आज के लिए इतना ही. ठीक है, जो भी नए क्वेश्चंस मुझे मिलेंगे इसके ऊपर आगे मैं आपके साथ शेयर करता रहूंगा. ठीक है, और अपनी तैयारी कंटिन्यूअस बेसिस पे रखते रहिए. कई बच्चे मुझसे ये पूछ रहे थे कि सर क्या ल्यूसेंट पढ़ना काफ़ी होगा? तो देखो बच्चा, मैं केवल आपको आइटम प्रोवाइड करा रहा हूँ, मैं केवल आपको कंटेंट प्रोवाइड करा रहा हूँ. ठीक है, क्योंकि मेरे पास समय की कमी है, इसलिए मैं अपनी तरफ से ज़्यादा एफर्ट नहीं डाल पा रहा, पर मैं ये काम भी करूँगा, मैं कंटेंट डेवलप भी करूंगा. लेकिन अभी आपके पास भी समय कम है और मुझे भी समय नहीं मिल पा रहा है, इसलिए केवल मैं लूसेंट उठा करके आपको पढ़ा रहा हूँ. अदरवाइज कंप्यूटर में पढ़ने को बहुत चीज़ें हैं, आप चाहें तो बहुत अलग अलग सोर्सेज से कंप्यूटर पढ़ सकते हैं. ठीक है, कंटेंट की रही बात, तो कंटेंट मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगा, बिल्कुल मैं सेल्फ कंटेंट प्रिपेयर करके आपको प्रोवाइड कराऊंगा. लेकिन अभी मुझे प्रिपेयर्ड कंटेंट चाहिए था, और ल्यूसेंट से बेस्ट इस समय आपके पास और कोई चीज़ नहीं है. क्योंकि ये मान के चलो FCI मेंस का पेपर मॉडरेट लेवल का आएगा, टफ नहीं आएगा ज़्यादा, मैं इतना आपको बता देता हूँ. मॉडरेट लेवल का पेपर आएगा इसका, और मॉडरेट लेवल के पेपर में कंप्यूटर में इतने क्वेश्चन सफिशिएंट हैं. ये जो लेवल के क्वेश्चन आप देख रहे हो, ये सफिशिएंट लेवल है आपके पास. आप देख रहे हो SSC, आपके सामने IBPS, PO, इन सबके लेवल के क्वेश्चन हैं ये. इसका मतलब कुछ तो मॉडरेट लेवल के क्वेश्चंस होंगे ना ये. इसलिए अभी के लिए कम से कम इतना तो कर लो मेरे साथ,
मैं लगभग आपको इस किताब के सारे क्वेश्चंस कंप्लीट करवा रहा हूँ, थ्योरी छोड़ दिया जाए तो मैं क्वेश्चन सारे कंप्लीट करा रहा हूँ। इतने क्वेश्चन तो करो, उसके अलावा मेहनत करके थोड़े बहुत अलग क्वेश्चन भी करो, दूसरी के बुक से भी पढ़ाई करो, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, बाकी आप लोग समझदार हैं किस तरीके से पढ़ाई करनी है, आप ज़्यादा अच्छे से जानते हैं। बाकी अगर कोई भी किसी भी तरह की दिक्कत आए तो प्लीज़ मुझसे शेयर करें, मैं मेरे से बात करने में बिल्कुल ना हिचकिचाएं। जो भी आपके क्वेश्चंस होंगे मैं सारे क्वेश्चंस का आंसर आपको दे दूंगा टाइम टू टाइम, ठीक है। थैंक यू सो मच, आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ प्लीज़ उसको लाइक और शेयर ज़रूर करें, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे इस वीडियो को भी देखें और हमारे चैनल के साथ भी जुड़ें, ठीक है। तो हमारे चैनल्स के साथ जुड़ने के लिए सिलेक्शन मेंटर को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू सो मच, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। हैव अ नाइस डे।